सो हाई गाइज यूर वॉचिंग माई चैनल एहसन पैट्स असल मैं हूँ एहसन ज़फ़र कराची पाकिस्तान से कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लववर्ड और फ़िशर फैमिली के बारे में जैसा कि फ़िशर फैमिली में बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है और अब इसकी प्राइस भी यानी कि महंगे बर्ड्स की प्राइस नीचे आ रही हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों का शौक़ उठ रहा है उठ के आ रहा है दौड़ रहा है जोश मार रहा है खून उनका कि हम भी सेटअप डालें और इसमें से सबसे बड़ा तबका वो है जो मेरे जैसा है मिडिल क्लास फैमिली के लोग तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ये प्रॉब्लम आती है कि उनको समझ में नहीं आता क्या ख़रीदें कितना पैसा लगेगा या कितनी इन्वेस्टमेंट हम करें बर्ड्स के अंदर तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ देखो भाई आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ये तो आपको पता है मुझे कैसे पता होगी मेरी वीडियो जो है ना बहुत सारे लोग सुनते हैं तीन uh, हज़ार चार हज़ार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार तीस तीस हज़ार चालीस चालीस हज़ार डेढ़ डेढ़ लाख व्यूज़ आए हैं मेरी वीडियोस पे आप जाके चेक कर सकते हैं तो इतने सारे लोगों की लिमिट कितनी है इतने सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट बजट कितना है फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है ये मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास पैसे कम है वो कितना अमाउंट जो इन्वेस्ट कर सकता है मिनिमम कितना होना चाहिए मैं मिनिमम आपको बता दूंगा कितना होना चाहिए देखिए भाई एक साहब ने मुझे कहा कि ऐसन भाई मेरे पास अभी जो है ना कुछ पैसे हैं तो मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैंने कितना आपके पास पैसे हैं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बर्ड्स में कहने लगे मैं बर्ड्स खरीदना चाह रहा हूँ तो मुझे बताओ मैं कौन से वाले लूँ मार्केट से तो मैंने उनको कहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है कहने लगे यार मेरे पास ना पचास हज़ार रुपए हैं पचास हज़ार रुपये में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ तो अब मैं आपको बता दूँ भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट लिटरली आई एम टेलिंग यू दैट दिस डेज वी ऑल आर फेसिंग क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस पेट्रोल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल क्राइसिस बैंकिंग क्राइसिस सो वी आर इन यू नो वी आर इन डैट वी आर वी वी आल आर इन डेट सो वी आर वी आर हैविंग अ वेरी टफ टाइम सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टू टेक स्टेप वेरी केयरफुली सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि यार आप जो है ना बहुत देखभाल के करें क्योंकि पचास हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है भाई इक्कीस हज़ार रुपये का तो मैं एक केज लेकर आया हूँ पाँच खानों वाला दो बाय तीन का साइज़ है फोल्डिंग वाला केज है इक्कीस खाना पाँच खानों वाला इक्कीस हज़ार रुपये का दो बाय तीन का साइज़ है दो बाय तीन का बड़ा साइज़ है पिंजरा मजबूत है अच्छे गेज में बना हुआ है उसका गेज गेज कहते हैं लोहे के नाप को कुछ लोग केज को ही गेज कहते हैं लाहौर से जितने लोग मुझे फ़ोन करते हैं ना वो कहते हैं कि हमारे पास तीन गेज हैं तीन गेज तो वो गेज नहीं होते वो केज होते हैं पिंजरे को इंग्लिश में केज कहा जाता है और गेज कहते हैं जैसे स्क्रू गेज होता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो होते हैं नापने के लिए गेज होता है लोहे की मोटाई यानी कि आपके पिंजरे में जो तारें लगी हुई हैं वो कितनी मोटी हैं उसमें भी दो नंबर ही होती है बिल्कुल बारीक बारीक लगा देते हैं तो क्या होता है वो साल दो साल बाद निकलना टिंग टिंग करके निकलना शुरू हो जाते हैं उसके टांके अगर वो मोटे गेज की होती है मोटी मोटी जो है वो रॉड होती है या मोटी वायर होती है तो वो निकलती नहीं है इतनी आसानी से अब बात यह है कि ऐसा पिंजरा अगर आप लेंगे तो भाई इक्कीस से पच्चीस हज़ार के दरमियान आपको पिंजरा मिलता है अच्छा वाला तो भाई इक्कीस से पच्चीस का जब पिंजरा है तो पचास में वो भाई कह रहे थे कुछ ऐसा बताएं कि पिंजरे भी आ जाएँ और बर्ड्स भी आ जाएँ तो पचास हज़ार में आप फिंचों से काम स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बहुत मुनाफा बख्श काम है लेकिन अगर आपने लव बर्ड लेने और आप सोच रहे हैं पचास हज़ार में बर्ड्स भी आ जाएँ और पिंजरे भी आ जाएँ इट इज़ नॉट पॉसिबल तो ये मुमकिन नहीं है भाई इस तरह की बात किसी से मत कीजिएगा मैं हूँ शरीफ आदमी मुझसे कोई जैसा भी सवाल पूछता है ना मैं फिर भी हेल्प कर देता हूँ लेकिन अगर किसी आपने कोई मस्ती मजाक वाले बंदे से अगर ये सवाल किया कि मेरे पास पचास हज़ार हैं इसी में पिंजरे भी लेना चाह रहा हूँ बर्ड्स भी लेना चाह रहा हूँ तो वो बताना तो दूर की बात वो इतना मजाक उड़ाएगा पहले तो हंसेगा बहुत वो उससे फिर क्या होता है कि आपको बुरा लगेगा आप डिसड हो जाएंगे ये आपको लगेगा शायद ये मेरे बस की चीज़ नहीं है ऐसा नहीं है आपके बस की ही चीज़ है परिंदा दूसरा चुन लें जरूरी नहीं है कि आते ही पैराशूट की तरह शू लवर्ड के साथ गए और आते ही चले गए साइड पर नीचे गिर गए डम करके तो इस तरह के काम ना करें अपने हिसाब से फिंचों से शुरू कर लें कम बजट वाले लोग फिंचों में बहुत बिजनेस है यार अलहमदिल्ला और जब भी फिंचो का काम स्टार्ट करो तो कोशिश किया करो कि मार्च अप्रैल में स्टार्ट करो बहुत मज़ा आता है बहुत मज़ेदार पूरा पूरा साल धमा धम ब्रीड आती है आउटडोर में अब इस टाइम पे क्या है कि जो लोग इंडोर रख रहे हैं या जिनके पास प्रॉपर इंतज़ाम है वो अब फिंचें लेके भर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पर सस्ती हो जाती हैं फिंचें और यही ख़रीदारी का टाइम होता है लेकिन मसला ये है कि फिर सर्दियों में जो है ना प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए अगर आपका इंतज़ाम नहीं है यानी कि बिल्कुल आपने सेटअप नंगा नंगा फुंगा छोड़ा हुआ है छत के ऊपर और हवाओं के थपेड़े पड़ रहे हैं और ऊपर आपने फिंच जाके छोड़ के डाल के आ गए तो इस तरह इस तरह जो है ना गलत हो जाता है ब्रीड नहीं आती इन दिनों में ये तरीकेकार होता है फिंच को अगर आप सर्दियों में डाल रहे हैं तो या तो इंडोर डालें और अगर आउटडोर डाल रहे हैं तो भाई कुछ उसको अपने सेटअप को अपने जो आपका शेड है उसको कवर करके रखें तब फिर आपके पास इन श्ला बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा तो चलो ये तो बात तय हो गई कि भाई तुम्हारा पचास हज़ार में पिंजरे और सेटअप नहीं लग सकता लव बर्ड के अंदर लव बर्ड भी नहीं लेने के लव बर्ड और पिंजरे तुम पचास हज़ार में नहीं ले सकते तो फिर कम से कम कितना होना चाहिए यार मेरे ख्याल से अगर आपको पिंजरे भी लेने और लव बर्ड्स वगैरह भी लेने तो कम से कम भी दो लाख रुपए होने चाहिए दो लाख रुपए कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको इतने होने चाहिए क्योंकि यार अब देखो ना तीस हज़ार पे तीस हज़ार पे पचास हज़ार रुपये फिंचो का कारोबार स्टार्ट हो सकता है लवबड़ का नहीं हो सकता लवबड़ बहुत महंगे हैं लवबड़ का एक जोड़ा जो है ना अच्छा अगर जोड़ा देते हो तो कम से कम तीस पैंतीस हज़ार का जोड़ा है एक जोड़ा या आप किसी से भी पूछ लो अच्छा जोड़ा अगर आप लेते हो एल्बिनो रेड आई और ब्लैक आई लेते हो अच्छा खासा पैसा लग जाता है उसमें तो पचास हज़ार में फिर पिंजरे विजरे ये नहीं आ सकता इसके लिए कम से कम दो लाख रुपए चाहिए जिसमें से एक लाख रुपए के तो आपके पिंजरे कहीं नहीं गए एक लाख रुपए के या चलो साठ हज़ार के भी आप लेते हो साठ हज़ार के पिंजरे तो आपको लेने ही पड़ेंगे छोटे छोटे पिंजरे लेते हो तो वो भी ले सकते हो आप फोल्डिंग वाले जो बारह हज़ार के आते हैं चार खानों वाले वो भी आप ले सकते हो वो भी अच्छे होते हैं वो ही लो बल्कि मैं तो कहूँगा तो वो आपके बारह ग्यारह ग्यारह हज़ार रुपये के तकरीबन जो है समझ लें कि छः सात पिंजरे आ जाएंगे उसके बाद बकाया पैसों से आप लव ले सकते हैं छोटे मोटे छोटी म्यूटेशन ले लें फिशरीज़ वग़ैरह ले लें फिशरी ले लें और कुछ फ़िशर वगैरह ले लें लव ले ग्रीन लव ले लें ताकि वो ब्रीड करेंगे ना तो आपके पास ऑलरेडी उनको आप फॉस्टर पेयर बना सकेंगे आगे जाके फिर आगे जब आप अच्छी म्यूटेशन लेते हैं तो आपको फॉस्टर पेयर की ज़रूरत जो है पड़ेगी तो यही पेयर आपके चलते हुए पेयर जो हैं ये फॉस्टरिंग पेरेंट्स का काम देंगे आपके नए तोते जो भी अंडे बच्चे देंगे वो आप उठा उठा, उठा के इनके नीचे रखते जाना इनको कभी बेचना मत ब्रीड करती हुई चीज़ को कभी ना बेचो भले दो रुपए की हो ब्रीड कर रही है मत बेचो ये मैं आपको बिल्कुल अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये मेरा तजुर्बा है अपनी ब्रीड करती हुई चीज़ फ़ौरन ना बेचो भले वो फिंच है डव है जो भी है पहले नया परिंदा ले आओ उसको सेट होने से जब वो ब्रीड पर आ जाए पैसे अच्छे खासे इकट्ठे हो जाएँ फिर दिमाग से सोचना शुरू करो दिमाग ऐसी गंदी चीज़ है ना कि अगर आप गलत टाइम पर गलत चीज़ सोच रहे हैं तो वो आपको ऐसे काबू करता है कि बजाय इंसान अपना दिमाग काबू करे उसका दिमाग उसको काबू कर लेता है और फिर अपने हिसाब से चलाता है अजीब अजीब सजेशन देता है आपको कि ये ले लो अरे ये चीज़ तो कभी मिलेगी नहीं जिंदगी में ले ले कोई ख़रीद लेगा या ये आखिरी अच्छा परिंदा है दुनिया का दिमाग जो है ना काम ख़राब करवाता है जल्दबाजी में आप बहुत सारी गलत चीज़ें उठा लेते हैं इतना इतना पैसा लगा के लोगों ने अब मार्केट में से जो है चीज़ें उठाई हैं बाद में बैंड बच गई देखो चीज़ देर से ले लोगे कोई बात नहीं कोई भट्टे दे देगा कोई बात नहीं कोई आपको, आपको बड़े पेयर देता है उसमें से कोई एक आध पीस खराब हो गया तब भी मसला नहीं है मसला तब आएगा यार जब आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लोगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार इसमें मोर देन फिफ्टी परसेंट पीसेज जो है वो उस तरह के उस काम के नहीं हैं ठीक है मेरे साथ बहुत पुरानी बात है एक हाथ हो गया था मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया था ज़रा छोटा सा बहुत पुरानी बात है मैं बर्ड्स लेकर आया बर्ड्स बिल्कुल सही थे बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसा था जो दिखने में नज़र नहीं आता मतलब वो ब्रीड नहीं की उन्होंने कभी भी कभी भी ब्रीड नहीं की तो वो फिर जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ अगर आप रखेंगे आपको नुकसान ही नुकसान होगा और ये एक इतफाक़ है मे कि मेरे पास लव बर्ड जो है वो उस तरह से चले नहीं मेरी जगह की वजह से क्योंकि लव बर्ड को एक अच्छा माहौल चाहिए अच्छी हवा चाहिए लव बर्ड को हवा के हवा से मुराद ये कि वेंटिलेशन नहीं होगी ना आपके पास तो लव बर्ड में थोड़ा सा काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए वेंटिलेशन होनी चाहिए आपके पास सेटअप अच्छी जगह पे लगाएं कम से कम एक खिड़की एक दरवाज़ा होना चाहिए ये तो होता ही है ना यार किसी भी कमरे में एक खिड़की एक दरवाज़ा तो होता ही है कई लोगों के पास देखा है मैंने कि कमरा है दरवाज़ा भी है लेकिन खिड़की नहीं है तो इस तरह जो है ना काम नहीं होगा फिर आपको ए लगाना पड़ जाएगा अगर इस तरह की जगह है तो इस तरह से काम करेंगे इन शाला आपको अल्लाह ताली बरकत देगा और अब बात करते हैं आप में से किसी को भी लव बर्ड्स वालों को फिंचज़ वालों को जितने भी बर्ड्स आप रखते हैं सबकी एक मल्टी वाइटमिन होती हैं अगर आप में से किसी को बहुत अच्छी मल्टी वाइटमिन चाहिए तो मुझसे राबा कर सकते हैं हाई क्वालिटी की मल्टी वाइटमिन हैं सिर्फ़ एक ग्राम चार लीटर पानी में डलता है सिर्फ़ एक ग्राम चार लीटर पानी में और मैं हफ़्ते में दो बार देता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट है वैसे उस उस पर लिखा हुआ होता है कंपनी की तरफ से कि आप डेली बेसिस पर दे सकते हैं बिकॉज़ बहुत लाइट डोज है एक ग्राम चार लीटर पानी में लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ आपस की बात है मैं हफ़्ते में दो बार देता हूँ यार रिजल्ट बहुत कमाल है पिछले तीन साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और स, आ, मुझे सप्लाई करते हुए पूरे पाकिस्तान में तकरीबन तकरीबन भी एक साल हो गया और रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं बहुत अच्छे तरीके से बिक रही है इसके अलावा एक एंटीबायोटिक आती है मौसम चेंज हो रहा है बर्ड ट्रैवल करके आया कहीं से बर्ड की हार्ट बीट तेज़ हो गई है मोशन हो गए हैं या नज़ला हो रहा है बर्ड को तो ये सब में एक लाइट एंटीबायोटिक दी जाती है वो भी मेरे पास होती है और आप ऑर्डर कैसे कर सकते हैं तरीका ये है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए अगर आपको मल्टी चाहिए तो मल्टी वाइटमिनस लिख के आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको एंटीबायोटिक चाहिए तो एंटीबायोटिक लिख के मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जीरो थ्री फोर नाइन डबल टू ट्रिपल ज़ीरो फ़ोर फाइव अगर आपको मेरा नंबर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जीरो थ्री फोर नाइन डबल टू ट्रिपल ज़ीरो फोर फ़ाइव और अगर आपको मेरा नंबर समझने में मसला आता है तो आप मेरी आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होता है वहाँ से भी ले सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको जो कि पसंद आई होगी आप मेरे चैनल की इस वीडियो को वीडियो को फ़ौरी तौर पर सबसे पहले लाइक कर दिया करें हमेशा अगर जितने लोग मुझे अच्छा समझते हैं जितने लोग समझते हैं कि मेरी रेपोटेशन अच्छी है मैं अच्छी बात करता हूँ लोगों से मैं गरीब लोगों का भला सोचता हूँ या गरीब ना भी हूँ आजकल तो सभी ग़रीब है ना जिस तरह के हालात चल रहे हैं मैं लोगों का भला सोचता हूँ तो आप लोग मेरी वीडियो खोलते के साथ ही लाइक कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इन इसी तरह आपसे मुलाकात होती रहेगी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह हाफज